खबर छबरा विहार से, जहां अमनौर प्रखंड के मदारपुर पंचायत के शिव मंदिर मदारपुर में 24 घंटे के अखंड अष्टयाम को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में हजारों नगर वासियों ने भाग लिया। कलश यात्रा शिव मंदिर यज्ञ स्थल से निकलकर मदारपुर नंदलाल चौक अश्वा होते मलाही डबरा नदी पर पहुंची, जहां आचार्य विनय चौबे नीरज मिश्रा आलोक चौबे के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश में पवित्र गंगा जल की जलभरी की गई। जय श्री राम, जय हनुमान, जय शिव, हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। कलश यात्रा में उदय सिंह, अखिलेश सिंह, राजेश सिंह, चंदन सिंह, मैनेजर अनिल सिंह, संतोष पटेल, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि उमेश सिंह, उप सरपंच संजीव कुमार, शिक्षक रामाशंकर सिंह, मुखिया प्रतिनिधि टीपू राय, धनंजय सिंह, राजू सिंह, नितेश सिंह, दीपक सिंह आदि शामिल थे। अखंड अष्टयाम के समापन के मौके पर सारण के कमलाकांत मिश्र व बलिया के सुरेंद्र सिंह के बीच भव्य दुगोला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस तरह का आयोजन आपके आवास पर किया गया और कितने दिनों का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम है आज से कल सुबह तक का और परसों भी है और 24 घंटे का कार्यक्रम है। एग्जाम है ये जो है, सभी लोग गांव के देशवासी लोग सारे लोग साथ में चल रहे हैं। अच्छा लगा है कि सब लोग हम देखा जा रहा, काफी संख्या में महिलाएं जो है कलश लेकर हाथ में चल रही हैं। क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों को? जितनी लेडीज है वो सौभाग्य की बात बता रही है, कुछ कह रहे हैं कि बहुत खुशी हो रहा है चलने पे, लंगे पैरों से चल रहे, पैरों पे चप्पल नहीं है। पूछा भी कह रहा है कि पैर नहीं चल रहा है, कहते हैं भगवान के आस में है अच्छे से, जो अच्छा लग रहा है सबको। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश सिंह। कहाँ घर है आपका? मदार। क्या कहेंगे आज के जलभरी को लेकर? आज के जलभरी को हम एक कहेंगे, साल में एक बार राजेश सिंह के द्वारा इस पंचायत के अंदर अष्टयाम का अखंड अष्टयाम का आयोजन किया जाता है। इसमें हजारों हजारों की संख्या में औरत और मर्द पुरुष सब लोग बच्चे इकट्ठे होते हैं और शौक से अपने जलभरी करते हैं और अखंड अष्टयाम होता है। उसके बाद एक दिन का भी आयोजन होता है इस राम नाम के नाम पर। देखा गया काफी संख्या में महिलाएं इस आयोजन में अपना योगदान दे रही है, क्या कहेंगे? संख्या में महिलाओं का योगदान इसलिए रहा है कि महिलाएं जो है वो श्री राम के प्रति उनकी आस्था है और आस्था के चलते मर्द के भूखे नंगे पैर चक्कर के सब गर्मी में दू चल रही है, पैर जल रहा है क्योंकि उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अंदर राम बसे हुए हैं, कंकन के राम बसे हुए हैं, राम बसे हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा? जी मेरा नाम संतोष पटेल हुआ, मैं मदारपुर पंचायत निवासी हूँ।